नाजिम प्रोग्राम में आपको एक दो बार फिर वेलकम कहते हैं। जा साहब, ये बताइएगा कि बुखारी साहब ने ब्रेक से पहले जो बात की कि जी ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ है और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, ये चूंकि अनअपोज्ड हुआ है तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है। ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक नेक्सस है जो हुआ था और उस वजह से हुआ? नहीं, ये सारी चोर बाजारी है। ठीक, एक बात, ये जो यूनस हबीब का सब लोग जिक्र कर रहे हैं तो चमचा टाइप आदमी है और ये कोई 20-22 साल की कहानी है। उसमें 3-4 हुकूमतें पीपल्स पार्टी की और 2-4 नवाज शरीफ की गुजरी हैं, किसी ने तो हाथ नहीं डाला। किसी ने असद दुरानी को उठा के बना दिया सफीर, किसी ने हाथ नहीं डाला। और मैं तो समझता हूँ कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रह गई है जिससे अब तवक्को की जाएगी कि वो अर्राशियो वल मुर्तशी फिन नारे जहन्नम, देने वाला भी और लेने वाला भी, ठीक है ना, वो जरनैल साहबान भी और ये उन्हें सभी तो बेचारा एक चरखा है बीच में से, वो भी खुले आम आगे कह रहा है, ठीक है ना, खुले आम आगे कह रहा, कोई है उसका मुंह। इसके साथ एक ड्रामा भी चल रहा है आसिम भाई, ये जेहन में रखिएगा। सदर जरदारी ये साबित करना चाहता कि मैं चोर नहीं हूं, मुझसे पहले पीपल पार्टी भी इस तरह की थी और मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह की है। आप इसको ना बोले सब, मैं कहता हूं वो चाह रहा है कि ये ऐसा यानी पागल कर दिया जाए सारी कौम को, सारी सियासत को, और ये बताया जाए कि कुछ भी नहीं है इनके पल्ले, ये सब पैसे का खेल आज कल ही शुरू हुआ, सब बकाऊ माल है। तो इसका और जितना शदीद रद्द अमल इसका है, जिसको आप कह रहे हैं ना दीवार के साथ लगी हुई थी, आपने अपनी बात के आगाज में कहा है, और ये जो तमाशा देख रही है वो तमाशा नहीं देख रही है। इंशाअल्लाह ताला ये मैं, मेरी 30-35 साल की सियासी अगर कोई समझ बूझ है तो ये पोलिंग के पास जाने का शायद आखिरी मौका आपको मिले। क्यों आखिरी मौका? मैं नीचे, क्यों नीचे हर चीज तब्दील हो चुकी है, नीचे हर चीज तब्दील हो चुकी। अच्छा, अगर नीचे हर लोग उस निजात दहिंदा और उस पार्टी को देख रहे हैं जो उनके दिल की आवाज बन ठीक हो गया, अगर नीचे हर चीज तब्दील हो चुकी है तो ये जो जिम्मी इंतखाबात है आप लोग उसमें क्यों नहीं आए? और दूसरी बात यह है कि इसके जो पोल्स रिजल्ट आए हैं वो ये बताते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिनसे आप कहते हैं लोग नाला हैं उनके तो वोट बैंक फिर ज्यादा मजबूत। अच्छा, मेरा ख्याल है आप डिस्कशन को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपको तहरीके इंसाफ की बात मैं बताता हूं, हर चीज मैं बताता हूं, हम जरदारी के तहत कभी इंतखाबात में नहीं जाएंगे। नहीं तो अगले, आप मेरी बात सुन लेना, जनरल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम इस मुल्क के अंदर एक ऐसी बड़ी तहरीक उठाएंगे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं ना, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन आई टेल यू, मैं 8 से 10 माह के अंदर अंदर इस मुल्क के अंदर एक ऐसी बड़ी तहरीक उठाएंगे जरदारी साहब के तहत। हम इंतखाबात में, ये इंतखाबात इनकी मौजूदगी में वो शिकंजा है, अवाम को कोई मुर्दे इल्जाम न ठहराए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जिम्मेदार की हैसियत से आपको कह रहा हूं, हम जरदारी के तहत इंतखाबात में नहीं जाएंगे। हम 2008 में भी इनके इंतखाबात में नहीं गए थे, इसलिए हमने, नवाज शरीफ ने हमें, हमारे साथ दो दफा धोखा किया। नाजिन, आपने इजाजत में चौधरी साहब सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत अहम बात उन्होंने की कि हम जरदारी साहब के अंडर किसी भी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे और ना जा रहे हैं, बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे। ये इंकशाफात इन्होंने किए हैं, देखते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में तब भी जरदारी साहब ही सदर होंगे, फिर क्या बनेगा तहरीक इंसाफ अगर कोई तहरीक चलाती है तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा? मजीद बात करते हैं जी एजाज साहब। हाँ जी, तो चुनाचे मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं ना ये बाय इलेक्शन में हम इसलिए नहीं जा रहे, इसका नतीजा इस कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। हमें मालूम था कि जो इंतखाबात मुशर्रफ के बैठे हुए हुए, अदलिया की बहाली के बावजूद हुए, उसके नतीजे में कोई खारजा पॉलिसी तब्दील नहीं हो सकती। अमेरिका के जूते मुशर्रफ पॉलिश कर रहा था और आने वाले हुक्मरानों ने भी वही किया, वही ड्रोन अटैक, वही धमाके। एक बात बताइएगा कि 20वीं तरमीम के तहत आजाद इलेक्शन कमीशन, वो जो बातें सजा साहब ने, मैं कहता हूं मुझे करनी है हमने, बिल्कुल गलत। 20वीं तरमीम एक मुकमुका है जिसके साथ ये तय हुआ है कि आप पीपल्स पार्टी की जो करप्शन है, मेगा करप्शन, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे और हम PIC के अंदर होने वाली हलाकतों पर बात नहीं करेंगे। कभी देखा आपने? नहीं, सजा साहब जरा पूछे, मीडिया से पूछे, अवाम से पूछे, कभी दोबारा कहा कि 300-400 लोग मर गए थे, कौन उसका वाली वारस है? जानी दवाइयों से। इसलिए मैं आपको कहता हूं ये किसी के पूछने नहीं, आवाम से पूछ, जिसमें आप रोज उठते बैठते हैं। आप ये बात कर रहे हैं, बड़ी अहम बात है कि आप जरदारी साहब के अंडर इलेक्शन में, और कोई मैं और बताऊं तो आप कह रहे हैं, मुझे ये बताइए, जब अमेरिका के सामने कौम को मुत्तहिद करना था, तहरीक इंसाफ की जरूरत थी ना कि वो मुश्तरका इजलास में जाए, ठीक है, नहीं थी?
تحریک انصاف پچھلے 6-8 ماہ کے اندر دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی قوت ہے, زرداری کو اور نواز شریف کو نہیں پتہ چلا. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس یعنی یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی تیاری کر رہے ہیں اس کے اوپر ساری سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لیں, ہم لیں گے, ہم اے پی سی بلائیں گے اور قوم کو جو اعتماد ہوگا جس نگران حکومت, ورنہ یہ تو بندر بانٹ ہے, مرکز میں پیپلز پارٹی کی نگران حکومت, پنجاب کے صوبے میں نگران حکومت. اہم سوال ہے, پھر یہ تھوڑی وضاحت کر دیں. عمران صاحب, جب لاہور کا جلسہ ہوا تو پاپولیرٹی نظر آئی, لوگ آئے اور ایسے لگا کہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے, کوئی بڑی قوت سامنے آئی. پھر اگلا کراچی کے جلسے تک بہت سارے ایسے چہرے آئے جو مشرف صاحب کی کیبنٹ کے تھے, تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اوپر لا رہی ہے اور جب انہوں نے اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے تو اپنے لوگ جو ہے اس میں انڈکٹ کر دیے ہیں, اور اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف نواز شریف کو پریشرائز کرنا ہے. اب چونکہ تحریک انصاف اس لیول سے اوپر جا رہی تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا لیول ایک خاص سیٹ ہے, تو اب انہوں نے اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ نون اور پیپلز پارٹی مل گئی ہے, الیکشن کی اس طرح کی سچویشن ہے کہ تحریک انصاف کے یعنی ایسا ملک جہاں پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, جہاں سینیٹرز اتنے کروڑوں روپئے 25 سے بننے کے لیے 35 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں, وہاں ایک ایم پی ایم این اے تو بغیر پیسوں والا تو کوئی نہیں آ سکتا نا, ایک عام آدمی جو آپ کی سوچ ہے کہ وہ اسمبلیوں تک آئے تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. تو عمران خان صاحب کو شاید اس لیے اب نظر آ رہا ہے کہ اب وہ وائنڈ اپ ہو چکے ہیں. ایسے میں آپ کو گراؤنڈ میں اترنے سے پہلے, آسن بھائی اسی ٹیبل کے اوپر آپ مجھ سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کی پارٹی میں عمران خان کے اور علاوہ ہے کیا, اس کے بعد لوگ آ گئے, پھر آپ کے سوال کا جواب آیا نا, اور کون سے لوگ ہوں گے, نہیں اور کون سے لوگ ہوں گے بھائی, یہ نہ کہیں لوگ تو لوگ ہی ہیں پھر, نہیں تو آپ مجھے بتائیے تو پھر آپ کو جواب آ گیا نا, نہیں تو مشرف صاحب بھی کر لینا, اس وقت تو اعجاز چودھری آپ کو بندہ ہی نہیں نظر آتا تھا, جو تحریک انصاف کا اوریجنل کارکن تھا وہ تو آپ کو اس قابل ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ سیاست کر سکتا ہے یا وہ پارلیمنٹ چلا سکتا ہے. میں جنرل صاحب ٹھیک ہے نا, چنانچہ ایک منٹ آپ اس بات کو مکمل ہونے دیں نا, اور اس کے بعد ایک ہوتی ہے کریڈیبلٹی, وہ تحریک انصاف عمران خان کی تھی, پھر ہوتی ہے ایک وائبلٹی, وہ بھی موجود تھی, اور قوم فیصلہ کر چکی ہے. اگر تحریک انصاف ان کے خواہشات کے اوپر پورا اتری تو تحریک انصاف آئے گی, ورنہ کوئی اور آ جائے گا. میں چاہ رہا ہوں جنرل صاحب تھوڑا سا میں آپ کی اجازت, تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں, یہ انہوں نے ایک نئی بات کر دی ہے کہ جی ہم بڑی بہت بڑی